एंड वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो मिशन 2023 में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से होंगे और अपनी पेपर को जबरदस्त तरीके से बना रहे होंगे। अब कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिसके पेपर बहुत अच्छी तरीके से जा रहे होंगे, कई के कुछ खराब गए होंगे, कई के कुछ मीडियम बने होंगे, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी लास्ट पेपर तक, अभी कौन सा पेपर क्या गया है इसके बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको जो पेपर बचा है आप उसके बारे में बस सोचिए। आप सोच के देखिए ना, जो हो गया ना उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो हो गया उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। और थोड़ा सा बारहवीं वाले के लिए जो केमिस्ट्री का जो ट्रेजेडी हो गई वो बहुत खतरनाक थी, तो ये आपके लिए बस नहीं हुआ है, ओवरऑल सबके लिए हुआ है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेशन में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन को होल्ड डाउन करके रखना है। तो अभी फिलहाल एक मस्त गहरा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, जो हो गया वो हो गया, आप अपना बेस्ट दिए हो, अब जो बचा हुआ एग्जाम है उसको कैसे आप बेस्ट दे सकते हो इसके बारे में सोचना है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में हम लोग बहुत सारे चीज देख चुके हैं, अब ना इस गैप डे में हम लोग मैथ्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूं और आज से सेशन चालू करता हूं। तो ठीक है, फिर कक्षा बारहवीं विषय गणित, ठीक है, गणित पढ़ाता हूं मैं, इतने दिन से तो गणित ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ना इस सेशन में क्या करने वाले हैं, एकदम ये अपना क्या बोलते हैं ना, वर्ल्ड कप है, फाइनल राउंड है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को सैंपल पेपर जो होता है ना, पादर्श प्रश्न और PYQ, पिछले 5-10 साल के कुछ अच्छे क्वेश्चन, तो मैं सैंपल पेपर के कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ 5 साल के पेपर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेता हूँ, लूंगा और सॉल्व करवाऊंगा, बोला मैं सॉल्व करवाऊंगा। कम में बम वाली बात खेलेंगे हम लोग, कम में बम वाली बात करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास करके आगे बढ़ते। तो देखो मिशन 2023 के लिए आप लोग ना, आप लोग मिशन 2023 के लिए आप लोग जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक बना है ना, अपने लिए ताली बजा लो यार, अपने लिए ताली बजा दो। क्यों बताऊं, क्योंकि ना क्या क्या चीज मैं कवर करा चुका हूं, बताऊं। ब्लूप्रिंट डिस्कशन हो गया है, हाँ सर हो गया, ब्लूप्रिंट डिस्कशन हो गया, पहला वीडियो यही था। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के बारे में बता दिया कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग रही थी शुरू से, और इसमें तो कम से कम कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने 59 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया, 59 वीडियो यार, 59 वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो बारहवीं गणित का ना वो पूरा अपन इसमें तो खेल दिए, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स के पेपर में आप लोगों को कैसे लिखना है, याद है आप लोगों को बताया था, ये वीडियो भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो कोई भी ना ये जो चारों अमृत पी के आया ना तो आपका पेपर ना तबाही जाने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये आज फाइनल रिविजन हम लोग करने वाले, फाइनल रिविजन एकदम बने रहना, हड़बड़ाना मत, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछना, सब एक एक चीज बताने जाऊंगा। तो फाइनल रिवीजन है ना पूरे चैप्टर का मतलब पूरे गणित सिलेबस कंप्लीट कराओगे सर? हाँ। ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो तो नहीं बनेगा सर? नहीं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्या सर? हाँ सर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये सैंपल पेपर के और PYQ के, ठीक है। तो इतना सारा अगर जो मेरे साथ बने और वो शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इसमें ना फटाफट करना, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। और जो ना ये नहीं देखा है 59 वीडियो भाई, उसको ना अटेंड कर लेना, इसको फाइनल रिवीजन को, है ना, फाइनल रिवीजन को अटेंड कर लेना, तो ठीक है। तो हमारा जो गणित की जो जर्नी है उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा और 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। बोलो ये मालूम है क्या? हाँ सर मालूम है, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट में पहले ही बता चुका है। तो अभी मैं ना एक अंक निर्धारित प्रश्न के बारे में बात करने वाला हूँ, और एक अंक निर्धारित प्रश्न अध्याय 3 से पूछे जाते हैं, अध्याय 3 से, जिसका नाम आव्यू रख दिए हैं हम लोग, अध्याय 7, अध्याय 9 और अध्याय 10। ये जो 4 अध्याय है ना, इस 4 अध्याय से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक अंक के लिए। और मैं वो सब क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे वाले, जो आप लोग के ना अब तक के सैंपल पेपर में और 5 साल के पेपर में पूछे गए। चालू करें फिर। और किसी को लग रहा होगा कि सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हो सर, तो अपने लिए ताली बजा दो यार। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा है, तो वीडियो छोड़ के नहीं जाने का, यहाँ पे रहने का और रिविजन करने का, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो अध्याय 3 को मैं पहले खत्म करने वाला हूँ, तो अध्याय 3 की जर्नी को अब भी खत्म करेंगे इसी वीडियो में, और एक मार्क्स यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। फिर उसके बाद समाकलन कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा बेहतरीन टाइप से। तो 1 नंबर के हम लोग ये सब चीज करने वाले हैं, क्लियर है? तो बने रहना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 3, आव्यू, 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है यहां पे ध्यान से देखो। ये अब ये ना जितना भी क्वेश्चन लूंगा, मैं बोला ना आपके सैंपल पेपर में आया है,
पाँच साल का सैंपल पेपर उठा लेना मिल जाएगा आपको, या पाँच साल का क्वेश्चन पेपर उठा लेना मिल जाएगा आपको, ठीक है। और पूरा उसको पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को मैं क्वेश्चन डिजाइन करके दिया हूँ। तो ध्यान से देखो इधर क्या दिया है, सरल कीजिए, ठीक है। आव्यू, ये एक आव्यू दिया है, इसको सरल करके लिखना है, ठीक है। तो हल अब मैं इसमें ना फटाफट सॉल्व करूंगा, कैसे लिखते हैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया गया है कि कैसे लिखते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा इस आव्यू के गुणा में है, कॉस थीटा गुणा ये आव्यू प्लस साइन थीटा गुणा और ये आव्यू। जब कभी आव्यू में किसी का हम गुणा करते हैं तो सभी अवयव के साथ होता है, सभी अवयव के साथ होता है, तो इस कॉस थीटा का सभी अवयव के साथ मैं गुणा कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ध्यान से बस देखते रहना। ये कॉस का कॉस के साथ अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से कर दूंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे यार एक नंबर के लिए आता है, प्लस मेरे से पहले करो आप लोग, तो मेरे से पहले करो। अब इस साइन थीटा का इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा से करूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। क्या दिक्कत वाली बात ही क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है सर। सर ये ना कॉस थीटा इंटू सर साइन थीटा, बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो ये आ गया। अब एडिशन कैसे करते हैं यार, एडिशन कैसे करते हैं मालूम है क्या आप लोगों को, ये जो है ना ये इसके साथ जुड़ता है, अपने संगत अवयव के साथ जुड़ता है, ये वाला जो है ना वो इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, जोड़ने के बाद आ क्या रहा है, ध्यान से देखना जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, फटाफट करो फटाफट करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वाओ। अब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जोड़ दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या। अब हम लोग को तो मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो चूंकि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर सर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बोल रहे हो, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन है, वहाँ साइन पहले है यहाँ साइन बाद में, अरे भाई तीन धन दो भी पाँच होता है, दो धन तीन भी पाँच होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, अगर आपका आंख है तो ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल हो गया, यहाँ पे वो इसी देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल हो गया, तो क्या हो गया कैंसल हो गया, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो जो कोई भी मेरे से पहले बना लिया होगा अपने अपने लिए ताली बजा लेना, क्योंकि आपका एक नंबर मिलने वाला है और इसी टाइप का आएगा। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोग, पढ़ो फटाक से पढ़ो 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 पढ़ो। और मेरे से पहले आप लोगों को सॉल्व करना है बोला मैं, मेरे से पहले आप लोगों को सॉल्व करना है बोला मैं। क्या बोला है एफ ऑफ एक्स, लिखते चलते ना, ये एफ ऑफ एक्स क्या बोला है, हाँ एफ ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर ओके माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो एफ ऑफ ए ज्ञात कीजिए और ए मेरे को दे दिया है, एफ ऑफ ए बोला है, तो ठीक है एफ ऑफ ए ना मतलब ये एफ ऑफ ए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह में यहाँ ब्रैकेट में क्या है एक्स, तो एक्स के रूप में हम लोग लिखे, अब ब्रैकेट में क्या है ए, मतलब कि इस एक्स की जगह में ए पुट कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्स की जगह में ए पुट कर देंगे, एक्स की जगह में ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह ये पुट करें तो एक्स स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर माइनस टू एक्स है तो ये टू ए माइनस थ्री, और ए तो हम लोग को दिया हुआ है, ध्यान से देखते रहना, ए दिया हुआ है हम लोग को, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, बस ध्यान से देखते रहना ना, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं इसको, इसको ए स्क्वायर में पहले निकाला, ए स्क्वायर कैसे निकालूंगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो ए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कुछ है, एक दो दो एक, एक दो दो एक, ये हो गया ए की वैल्यू, फिर इंटू फिर ए, ये इंटू फिर ए, ए की वैल्यू क्या है, आव्यू ए की एक दो दो एक। अब इस आव्यू का गुणा इससे करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, आप लोग अगर मेरा पहले का वीडियो देखे होगे ना, 59 वीडियो दिया हूं यार, देखे होगे तो कैसे करते हैं, एक बार बता दे रहा हूं, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता देता हूं मैं, एक बार बता दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो कैसे करते हैं, पहला पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, ध्यान से देखना, चलो करते हैं, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा होगा इसके साथ प्लस इसका गुणा होगा इसके साथ, तो चलो इधर करता हूं, गुणा कर रहा हूं तो a इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक का गुणा एक से करूंगा तो एक हो जाएगा एक, प्लस दो का गुणा दो से करूंगा तो हो जाएगा चार, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक का गुणा होगा दो से, तो एक दूनी दो, एक दूनी दो, प्लस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कर रहा हूं, तो एक का गुणा दो से, दो का गुणा एक से, तो दो एकम दो, दो एकम दो, ठीक है, तो सबसे पहले पहली पंक्ति को लो और जितने स्तंभ है उसको लेते जाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ होता तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ भी करते, ठीक है, अब पहली पंक्ति का काम हो गया, सब स्तंभ को हम लोग ले लिए, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तो ये जो पहले नंबर का है इस पहले नंबर से गुणा होगा, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर से गुणा होगा, तो दो का गुणा एक से करूंगा तो दो एकम दो, दो एकम दो, प्लस एक का गुणा दो से करूंगा एक दूनी दो, एक दूनी दो, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दो का गुणा दो से करूंगा चार, प्लस एक गुणा एक से करूंगा तो एक आएगा, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आई चार और एक, अरे बाप रे कैलकुलेटर निकालो, दो और दो चार, दो और दो चार, चार और एक पांच, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो इसको मैं इक्वेशन वन कर देता हूं, समीकरण एक से है ना, समीकरण हाँ एक नंबर के लिए आया है ये समीकरण एक से, कोई बड़ा नहीं है, और नहीं कोई बड़ा नहीं है, कभी लेंथी पेपर आ जाता है, तो देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये क्या दिया है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर क्या आया, फाइव फोर फोर फाइव, क्लियर है, फिर क्या है, माइनस टू ए, माइनस टू ए की वैल्यू दी हुई है क्या, ए की वैल्यू हाँ एक दो दो एक, एक दो दो एक, उसके बाद क्या है माइनस तीन, देखो जब कभी भी सिंगल रहता है ना तीन माइनस तीन है ना, तो हमेशा इसको क्या सोचना, माइनस थ्री आई ऐसे करके बनाना, थ्री आई, जब कभी भी एक कांस्टेंट रहेगा तो आई लिख देना, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने बाय कितने का है ये, दो बाय दो का है, तो दो बाय दो का आई मैट्रिक्स क्या होगा, तीन आई है, तो ये दो बाय दो का आई मैट्रिक्स होता है वन जीरो जीरो वन, ध्यान से देखो अगर सिर्फ पांच दिया है तो उसके साथ हमेशा आई लगा देना, ये पांच आई, अगर दो बाय दो का मैट्रिक्स है ये पांच वैसे लिखना, दो बाय दो का मैट्रिक्स है तो वन जीरो जीरो वन, अगर मान लो थ्री बाय तीन का मैट्रिक्स, ये दो बाय दो का मैट्रिक्स के लिए, अगर तीन बाय तीन का मैट्रिक्स होता, तीन बाय तीन का मैट्रिक्स होता और सिर्फ फाइव दिया रहता तो इसको आप फाइव आई लिखते, तो फिर कैसे लिखते, ये फाइव का फाइव, तीन बाय तीन का है ना, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है, बस ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें बस वन 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 रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया, अब चलो ध्यान से देखो क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये क्या है, पाँच चार चार पाँच, माइनस दो का गुणा सभी अवयव के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार,
दो एकम दो, फिर क्या है इस ये तीन का गुणा सबके साथ कर दो, तो तीन गुणा एक तीन, तीन गुणा जीरो जीरो, तीन गुणा जीरो जीरो, तीन गुणा एक तीन। अब घटाना है तो सबको घटा देते हैं, चलो तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ गया मेरा, एफ ऑफ ए तो आ गया मेरा। ध्यान से देखो घटाएंगे, देखो सबका प्रथम अवयव, सबका प्रथम अवयव को लो, इतना माइनस इतना माइनस इतना, ठीक है सबका पहला अवयव को ले रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। पांच माइनस दो माइनस तीन, पांच माइनस दो माइनस तीन, अब सबका दूसरा अवयव को ले रहा हूं, चार माइनस जीरो, चार माइनस चार माइनस जीरो, ध्यान से देखना, अब चार माइनस चार माइनस जीरो, चार माइनस चार माइनस जीरो, अब बताऊं पांच माइनस दो माइनस तीन, पांच माइनस दो माइनस तीन, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। अब देखो ध्यान से क्या बच रहा है, पांच और माइनस दो कितना हो गया तीन, और तीन माइनस तीन जीरो, चार से चार कट गया जीरो, चार से चार कट गया जीरो, ये देखो तीन माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच, प्लस पांच और माइनस पांच जीरो, तो इसकी वैल्यू आई जीरो जीरो जीरो, ये हो गया आंसर, एक नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है एक नंबर के लिए। अब इतना बड़ा है ऐसे मत बोलना, प्रैक्टिस होगा तो रायल बनता है। चलो क्वेश्चन तीन, यदि आई तत्समक आव्यूह है तो थ्री आई कौन सा आव्यूह होगा, ध्यान से देखो तत्समक आव्यूह किसको बोलते हैं। अगर मैं मान लो दो बाई दो का मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, दो बाई दो का, दो बाई दो के आव्यूह में कंसिडर कर रहा हूँ, तो आई क्या होता है, आई तत्समक आव्यूह को बोलते हैं आई, ये क्या होता है वन जीरो जीरो वन, ये क्या है तत्समक आव्यूह है ना, आई तत्समक आव्यूह है, ये तत्समक आव्यूह, तो बोल रहा है थ्री आई कौन सा अवयव होगा, ध्यान से देखना, तो थ्री आई ना, ये थ्री आई, थ्री आई मतलब दोनों तरफ तीन का गुणा कर दो, ये थ्री आई, थ्री आई ना, तो थ्री का थ्री लिख दिया, अब आई की वैल्यू लिख रहा हूं, आई अवयव लिख रहा हूं वन जीरो जीरो वन। तो हम क्या करते हैं, इस तीन का गुणा सभी अवयव के साथ कर दो, तो थ्री आई मेरे को क्या मिलने वाला है, इसे तीन का गुणा सभी अवयव के साथ किया तो तीन एकम तीन, तीन इंटू जीरो जीरो, तीन इंटू जीरो जीरो, तीन का गुणा एक के साथ तीन। अब ध्यान से देखते रहना ना, ध्यान से देखते रहना अभी जो मैं बता रहा हूं, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, अगर ये एक एक रहा, एक एक रहा, तो ये होता है तत्समक आव्यूह, ठीक है। यहां पे देखो ये वाला जो, अब बाकी चीज जीरो होना चाहिए, अगर ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज अगर एक एक नहीं है, एक एक नहीं है, तो तत्समक आव्यूह तो नहीं होगा, तत्समक आव्यूह तो नहीं होगा, तत्समक आव्यूह के लिए बाकी सब चीज जीरो होना चाहिए, और ये वाला जो है ना, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो वन वन होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है सब जीरो हो और ये डायगोनल एलिमेंट वन नहीं हो, वन होता तो तत्समक हो जाता, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है और वो दोनों नंबर बराबर हैं, वो दोनों नंबर बराबर हैं, तो इसको बोलेंगे सदिश आव्यूह, तो ये क्या होता है सदिश आव्यूह, ये हो जाएगा सदिश आव्यूह, तो 3i क्या हो जाएगा सदिश आव्यूह, 3i हो जाएगा सदिश आव्यूह। तो तत्समक के लिए ये वाला जो एलिमेंट है वो 1-1 होना चाहिए, और सदिश आव्यूह के लिए ये जो है बराबर होना चाहिए, इसमें भी बराबर है, एक और एक बराबर है, लेकिन एक ही होना चाहिए, यहां और यहां कुछ भी नंबर हो सकता है, बस सेम होना चाहिए, और बाकी जीरो। क्वेश्चन तीन, क्वेश्चन चार, ए दे दिया, बी दे दिया, ए इंटू बी का मान ज्ञात करो, ये तो मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, ये तो मजाक हो गया यार, ये तो ऐसे ही फोड़ देंगे, ए इंटू बी ना, ए इंटू बी, ए इंटू बी, देखो ए क्या है, देखो ए क्या है, क्या है दो चार तीन दो, दो चार तीन दो, दो चार तीन दो, इंटू 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 बी क्या है माइनस दो पांच तीन चार। देखो भाई इधर देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करता हूं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दो का गुणा माइनस दो से तो माइनस चार, प्लस चार का गुणा तीन से तो चार तिया बारह, क्लियर है।
अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब इसका काम बाय बाय हो गया। ये जो है अब इसको हटाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दो का गुणा पांच से तो दस, चार का गुणा चार से प्लस करो, चार का गुणा चार से सोलह, अब इसका काम हो गया, पहली पंक्ति का काम खत्म। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तीन का गुणा माइनस दो से माइनस छह, प्लस दो का गुणा तीन से प्लस छह, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब इसका काम हो गया। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा बताओ, तो तीन का गुणा पांच से पांच दिया पंद्रह, प्लस दो का गुणा चार से चार दुनी आठ, तो ए इंटू बी क्या हुआ, ए इंटू बी क्या हुआ, क्या हुआ, ये हो जाएगा आठ, ये हो गया आठ, और ये हो जाएगा छब्बीस, छह में छह गया जीरो, पंद्रह और आठ ये हो जाएगा तेईस। देखो चेक करो एक बार आंसर, चेक करो एक बार आंसर, चेक करो, माइनस चार, चार तिया बारह, क्लियर है सर, पांच दूनी दस, चार चौक सोलह, बेहतरीन सर, तीन दूनी ये माइनस छ हो जाएगा, तीन दूनी छ, गजब सर, पांच तिया पंद्रह और चार दूनी आठ, बारह में माइनस चार गया सर आठ, सोलह और दस सर छब्बीस, छ में छ खत्म कर दो, ऐसे करने में मजा आता है, पंद्रह पांच बीस, तीन तेईस, ओके क्लियर है, हो गया। अब ये देखो ये डैश है ना, परिवर्त आव्यूह, तो देखो ये इसको आव्यूह बना लेना ना, इसको आव्यूह बनाना भाई, ये आव्यूह है, ये सारणिक नहीं है, ये ऐसे करके इसको आव्यूह बनाना है ना, ये आव्यूह बनाना, तो ध्यान से देखेंगे अपन अभी, ध्यान से देखेंगे अपन अभी, मन नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से तो देखना पड़ेगा। तो देखो डैश का मतलब क्या होता है, ये ए मेरे को दिया हुआ है, ए मेरे को क्या दिया है, तीन माइनस दो सात जीरो पाँच आठ, ये दिया है मेरे को, क्या बोला, ए डैश का डैश बराबर ए होता है, ये हम लोग को दिखाना है, तो ए डैश का डैश बराबर ए होता है, तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, ए डैश क्या होता है, ए डैश क्या होता है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देता हूँ, देखो क्या है, तीन माइनस दो और सात पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दो, लेटा हुआ है उसको खड़े करके लिख दो, तीन तीन बोल के देखो दो लिख देता हूँ कभी कभी, तीन माइनस दो सात, और ये जो पंक्ति है उसको इस स्तंभ में लिख दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखो, तो ये हो जाएगा जीरो फाइव एट, ये हो गया ए डैश। अब इस ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है, ये देखो इस ए डैश का डैश निकालना है, तो वही जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदल दो, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदल दो, तो जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, थ्री जीरो लेटा है उसको खड़ा कर दो, तो ये थ्री जीरो हो जाएगा, माइनस टू फाइव पंक्ति में है स्तंभ में कर दो माइनस टू फाइव, सेवन एट पंक्ति में है यानी लेटा है तो सेवन एट को खड़ा कर दो, ये लो। अब ध्यान से अगर देखोगे अगर आप, तो ए डैश का डैश बराबर डैश करो, ए डैश का डैश बराबर ए आया क्या, देखो यही ए में था क्या, ए क्या है थ्री माइनस टू सेवन जीरो फाइव एट, हो गया यार सिद्ध, हो गया सिद्ध, ये तो आंसर हो गया सिद्ध, ठीक है। क्वेश्चन छठवा, ये आपका होमवर्क है, ए इंटू बी करना है, ये आपका होमवर्क है, ए इंटू बी में आप लोगों को बताया क्या, ए इंटू बी में आप लोगों को बताया क्या, ये होमवर्क, ए इंटू बी यार आप लोग को बताया मैं निकालने के लिए, ए इंटू बी में आप लोगों को बताया। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये आव्यू खत्म, आव्यू खत्म, आव्यू का एक मार्क्स का क्वेश्चन का खत्म, खत्म खत्म, क्या दिया हुआ है, ओके देखो दिया क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते, यदि ये आव्यूह बराबर ये है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, बराबर का चिन्ह जब लग जाता है ना तो देखो आव्यूह की समानता की बात होती है, आव्यूह की समानता, एक्स ये देखो आव्यूह की समानता की बात कर रहा हूँ मैं, आव्यूह की समानता की बात कर रहा हूँ, वाई जेड वन फाइव, बस ध्यान से देखना ये बराबर लग रहा है, दो आव्यूह बराबर कब होंगे मैं बताऊं दो आव्यूह ना बराबर कब होंगे मैं बताऊं, जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर होगा, तभी ये क्या होंगे, दोनों आव्यूह बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो चार किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर, चार बराबर वाई आ गया,
तीन बराबर क्या आएगा जेड, तीन बराबर जेड आएगा, और देखो एक्स बराबर एक आएगा, एक्स बराबर एक आएगा, और देखो पांच बराबर पांच तो है ही, पांच बराबर पांच तो ही, हम लोग को एक्स वाई जेड का मान पूछा था, तो कर लेते हैं आंसर। आंसर एक्स की वैल्यू क्या आई भाई, एक्स की वैल्यू एक आ गई, एक्स की वैल्यू एक, वाई की वैल्यू चार, वाई की वैल्यू चार, और जेड की वैल्यू तीन, जेड की वैल्यू तीन, ये मेरा आंसर हो गया। और ये आंसर होने के साथ एक नंबर का जो अध्याय है वो खत्म हो गया, एक नंबर के लिए हो गया। तो आप लोग ये सात क्वेश्चन अगर कट डाले ना तो चांसेस है, चांसेस है, क्योंकि अभी तक का पैटर्न तो यही है, अभी तक का पैटर्न तो यही है। पैटर्न के हिसाब से ये सात क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए तो समझ लो बेहतरीन जाने वाला। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना गिव अप नहीं करना, निगेटिव चीज मत सोचना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।